प्रीति राठी तेजाब कांड में आज प्रीति के परिजनों के साथ साथ देश को बेइंसाफ मिल गया है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने दोषी अंकुर पवार को फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितंबर को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने आरोपी अंकुर पवार को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया था। मामला 2013 का था, जब मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हरियाणा के रहने वाली 22 साल की प्रीति राठी पर अंकुर पवार नाम के शख्स ने तेजाब फेंका था। हमले के बाद प्रीति लगभग एक महीने तक गंभीर हालत में अस्पताल में रही, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग में वो हार गई। जिसके बाद प्रीति के घर वालों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। इस तेजाब कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे पुलिस से मुंबई क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया गया, जिसके बाद जांच में यह सामने आया कि अंकुर का परिवार दिल्ली में प्रीति के पड़ोस में रहता था। प्रीति का नौसेना में चयन हुआ था, जिसकी वजह से अंकुर उसकी कामयाबी से इतना जलने लगा कि उसने प्रीति का करियर खत्म करने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? कोई किसी से इतनी जलन कैसे रख सकता है? प्रीति पर हमला करने वालों को फांसी की सजा भले ही मिल गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खुलेआम तेजाब बेचने वालों को सजा कब मिलनी शुरू होगी? देखते रहिए डीबी लाइव।